नमस्ते। बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो, सोच बदलो, लाइफ बदलेगा, ऐसे जार्गन तो आपने बहुत सुने होंगे। लेकिन ये सब जो कुछ उपदेश है, उसमें मन में जो भयकारी विचार आते हैं उनका क्या करना, इसकी जानकारी नहीं मिलती। तो इसके लिए आज ये वीडियो में आपको जानकारी मिलेगी, और उसके लिए आपको खुद की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सिर्फ जानकारी ये पर्याप्त नहीं है, तो आपको यह एक महसूस करना होगा कि विचार आना और विचार करना ये दो अलग अलग प्रोसेस है। जो ये सोच बदलो वगैरह जो कुछ कहते हैं, वो विचार करने के बारे में कहते हैं कि पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, ये ठीक है। लेकिन मन में जो विचार आते हैं और वो जो डर पैदा करते हैं, मुझे कैंसर होगा, या मुझे हार्ट अटैक होगा, मुझे इन्फेक्शन होगा, मेरी फिनेंशियल सिचुएशन बुरी होगी, ऐसे बहुत से विचार अपने मन में आते हैं, और वो विचार ही तनाव पैदा करते हैं, वो विचार ही एंजाइटी पैदा करते हैं। तो ये जो मन में आते हैं विचार, वो उन्हें सकारात्मक कैसा करना है? तो एक तो मेथड आपको मालूम होगी कि वो जो कुछ विचार आते हैं उन्हें बदल कर सकारात्मक विचार मन में फिर से लाना। यानी कि अगर मेरे मन में विचार आई कि मुझे हार्ट अटैक होगा, तो मैं खुद को कहूँगा कि नहीं, मैं तो रोज एक्सरसाइज करता हूँ, मेरा कार्डियक एक्सरसाइज हो रहा है, मैं तंबाकू वगैरह खाता नहीं हूँ, तो मुझे हार्ट अटैक आने की कोई संभावना नहीं है। ऐसा जब मैं खुद को ही कहता हूँ, तो उस समय मैं विचार करता हूँ। तो विचार आना और विचार करना ये दो अलग-अलग प्रक्रिया है। आप ये दोनों प्रक्रियाओं के लिए डिफरेंट स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी होगी। तो जो विचार करना है वो सकारात्मक करना है, पॉजिटिव करना है, ये तो बराबर है। जो विचार आते हैं मन में, तो उन्हें सिर्फ ऐसा जो मैंने अभी एक उदाहरण ये दिया कि आप बदल सकते हैं और एक सकारात्मक सोच करते हैं, लेकिन वो जो नकारात्मक विचार मन में आता रहता है, मुझे हार्ट अटैक आएगा, वो कम नहीं होता। क्योंकि जब आप ऐसा सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, मुझे नहीं हार्ट अटैक आएगा, तो एक तरह से आपने जो मन में विचार आया तो उसे रिएक्ट किया है, और उसे इंपोर्टेंस दिया है, उसे महत्व दिया है। और यही प्रॉब्लम है, जब आप वो जो मन में विचार आते हैं उन्हें जब आप रिएक्ट करते हैं, ये निगेटिव विचार, ये पॉजिटिव विचार, ऐसे जो कुछ आप रिएक्ट करते हो, तो उस समय आप उस विचार जो कुछ बता रहा है, उस अर्थ को, उसके मीनिंग को महत्व दे रहे हैं, और विचार सच है ऐसा आपको लगता है, और यही चेंज करना होगा। तो पहले तो आपको खुद से पूछना होगा कि इस समय मैं विचार कर रहा हूं या मेरे मन में विचार आ रहे हैं। तो इसमें डिफरेंस आप कैसे कर सकते हो? तो जो विचार करते हो आप, वो आप स्टॉप कर सकते हैं, क्योंकि तो विचार करना यह एक कॉन्शियस प्रोसेस है। आप चूज कर सकते हैं किस पर विचार करनी है और किस पर विचार नहीं करनी। तो जब आप कोई भी प्लानिंग करते हैं, कहीं यात्रा तय करते हैं, कोई प्रॉब्लम है उस पे सॉल्यूशन का प्लानिंग करते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो उस समय आप विचार करते हैं। तो जब आपको यह महसूस होगा कि आपका मन विचारों में है, तो आप खुद से प्रश्न पूछे कि इस समय मैं विचार कर रही हूँ या मेरे मन में विचार आ रहे हैं। अगर विचार कर रही हूं, तो इस समय विचार करने की आवश्यकता है क्या? अभी कोई डिसीजन लेना है या एक साल बाद डिसीजन लेना है, तो अभी कोई विचार करने की आवश्यकता नहीं है। तो उस समय आप विचार करना स्टॉप कर सकते हो, और उस समय आपका ध्यान वर्तमान क्षण में ला सकते हो। क्योंकि जो अब जब आप विचार प्लानिंग करते हैं, वो तो भविष्य का करते हैं। तो अगर वो विचार करना इस समय आवश्यक नहीं है, तो आप अपना ध्यान वर्तमान क्षण में लाते हो, ला सकते हो, और उस समय अपने जो कुछ सेंस ऑर्गन्स है, वो जो कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं, उन पे ध्यान दे सकते हो।
ऐसा आप जब ध्यान देते हो तो आपके मन वर्तमान क्षण में आता है। तो ऐसा ध्यान देना यानी कि क्या, तो इस समय कौन सी आवाज आ रही है इस पे आप ध्यान दे सकते हो। इस समय कोई गंध है क्या इस पे आप ध्यान दे सकते हो। यहाँ भवताल में कोई गंध है क्या, कोई स्मेल आ रही है क्या, इस पे ध्यान दे सकते हो। और अपना शरीर पे ध्यान देकर इस समय शरीर में कहाँ कहाँ टच मालूम हो रही है, अगर आपने ऐसे कोई मुद्रा की तो वो टच मालूम हो रही है क्या, आपने अगर घुटनों पे हाथ रखे तो वो टच मालूम हो रही है क्या, टेम्परेचर आपको मालूम हो रहा है क्या, तो इस समय शरीर में कहाँ कहाँ स्पर्श मालूम हो रही है इस पे आप ध्यान दे सकते हो। और अब जब आप ऐसा ध्यान वर्तमान क्षण में देते हो तो ब्रेन में वो जो विचार करने के समय सक्रिय रहने वाला एक पार्ट होता है डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, उसे आप रेस्ट देते हो। तो जब विचार करते हो तो विचार करना आप ऐसे ध्यान वर्तमान क्षण में देकर स्टॉप कर सकते हो। लेकिन अगर मन में विचार आते हैं तो जब आप कोई आवाज पे ध्यान दे रहे हो और मन में विचार आए तो जो कुछ विचार मन में आएंगे वो स्वाभाविक है, विचार क्रिएट करना यही अपने मस्तिष्क का ब्रेन का फंक्शन है, तो विचार आने ही नहीं चाहिए। ऐसा अपना जो अगर कोई गलत फहमी होती है वो रॉन्ग है, तो विचार आते हैं। अब आप साक्षी होकर उन विचारों को देख सकते हैं, यानी कि ये विचार मेरे मन में आए, ये विचार मेरे मन में आए, वे कहाँ से आते हैं, ये जो कुछ आपने स्टोर किया है, जो कुछ आपकी याददाश्त है, जो कुछ आपने एक्सपीरियंस किया है, वहां से ये विचार आते हैं, तो इसे हम सबकॉन्शियस ऐसा कह सकते हैं। तो वहां से जो कुछ विचार आते हैं तो अगर आप उसे देखेंगे कि ये इसके बारे में विचार है, ये इसके बारे में विचार है, और अगर उस विचार के जो कुछ मीनिंग है उसे अगर आपने इम्पोर्टेंस देना कम किया, यानी कि क्या मुझे हार्ट अटैक होगा ऐसा विचार मेरे मन में आया तो हाँ मुझे हार्ट अटैक होगा ऐसा जब मुझे लगता है तो मैं वो विचार पे विश्वास रखता हूँ जो आवश्यक नहीं है, क्योंकि थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स, विचार ये सत्य नहीं होते, विचार यह ब्रेन में आई उस समय की एक करंट है, एक इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी है, एक मेंटल इवेंट है। और अगर आप उसको ऐसा देखते हैं कि ये इतना मैंने ये आदमी को हार्ट अटैक आया हुआ देखा इसलिए वो स्टोर हुआ है, इसलिए इस समय मन में ये विचार आ रही है, तो अब देखेंगे यह विचार कितने समय तक रहती है, और ये विचार कुछ डर पैदा करती है क्या, अगर डर पैदा करती है तो मैं मेरा ध्यान मेरे शरीर पे ला सकता हूँ, और डर पैदा होगी तो शरीर में कुछ बदलाव होगे, तो सीने में कुछ भारीपन महसूस होता है क्या, दिल की धड़कन बढ़ती है क्या, तो मैं मेरा ध्यान शरीर पे लाकर उस विचार के कारण में भी जो शरीर में हो रहा है उसका अगर स्वीकार किया तो एक तो मैंने विचार के कारण जो कुछ हो रहा है वो देखा तो विचार को रिप्रेस नहीं किया, विचार से मैंने डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, कहीं म्यूजिक पे कोई गेम पे, वो विचार को मैंने एक्सेप्ट किया, इस समय मेरे मन में यह विचार है, ओके उस विचार का शरीर में क्या हो रहा है देखेंगे। और अगर ऐसा कुछ शरीर में नहीं हो रहा है तो विचार के साथ कोई भावना नहीं है, क्योंकि भावना है तो शरीर में कुछ न कुछ बदलाव होते हैं और वो मालूम होने चाहिए, तो इसके लिए आपको शरीर पे ध्यान देने की जो कुछ प्रैक्टिस है वो अधिक करनी चाहिए। तो अगर विचार आते हैं और शरीर में कुछ होता नहीं है तो सिर्फ आप वो विचारों की जो कुछ रेलगाड़ी चलती है वो देख सकते हैं, उसके अलग होकर आप देख सकते हैं कि यह विचार आ रहे हैं और जा रहे हैं। और यह टेक्निक यह स्किल आप अगर बढ़ाते हो तो ये जो कुछ सो कॉल्ड निगेटिव विचार है उनसे डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन यह प्रैक्टिस करनी चाहिए और हर एक आदमी यह प्रैक्टिस कर सकता है। यह प्रैक्टिस के लिए ऐसे प्रैक्टिस के लिए शुभकामना। अगर आपको इस बारे में कोई प्रश्न है कोई पूछना है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछिए,
और मैं मेरा व्हाट्सएप नंबर देता हूँ, वहाँ पे भी आप कम्युनिकेट कर सकते हो। धन्यवाद।